स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ मानसी जायसवाल। फिल्मी सितारों के लिए फैंस की दीवानगी किस हद तक है ये तो किसी से भी छुपा नहीं है। फैंस अपने फेवरेट सेलेब्स से कितना प्यार करते हैं ये किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अक्सर फैंस की यही दीवानगी या तो उन्हीं के फेवरेट फिल्मी सितारों के लिए दूसरों के लिए परेशानी का सबक बन जाती है। कुछ ऐसा ही बीत रहा है दिल्ली के पीतमपुरा में रहने वाले एक शख्स के ऊपर, जिसे रोजाना फिल्म अभिनेत्री सनी लियोनी के चाहने वालों के हजारों फोन कॉल्स आ रहे हैं। जी हाँ, सनी लियोनी के फैंस मौर्य एनक्लेव इलाके में रहने वाले एक युवक के लिए इन दिनों मुसीबत बने हुए हैं। अब आपको पूरा माजरा बताते हैं। अब पिछले दिनों फिल्म अर्जुन पटियाला में पंजाबी सेंसेशन दिलजीत के साथ ठुमके लगाती सनी लियोनी तो आपको नजर आ ही होगी, जो लंबे वक्त के बाद बड़े पर्दे पर दिखाई दी थी। सनी को इतने टाइम के बाद बड़े पर्दे पर देखकर उनके फैंस फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन इस दौरान सनी अपना बोलकर एक नंबर बताते हुए दिखाई दी, जिस नंबर को उनके चाहने वालों ने कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। सनी द्वारा बोला गया ये नंबर दरअसल दिल्ली की एक प्राइवेट कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर काम कर रहे एक युवक है, जो उसके लिए इन दिनों सरदर्द का कारण बना हुआ है। पीतमपुरा इलाके में रहने वाले पुनीत अग्रवाल के पास पिछले 2 से 3 दिनों से कई अश्लील और अभद्र भाषा बोलने वाले लोगों के फोन कॉल्स आ रहे हैं, जो उन्हें सनी लियोनी समझकर उनसे बात कर रहे हैं। पुनीत के पूछने पर कि उनका नंबर उन्हें कहां से मिला, हर कोई यही बता रहा है कि फिल्म में सनी ने ही खुद अपना नंबर बताया था और वो सनी से ही बात करना चाहते हैं, इसलिए वो सनी से बात कराएं। युवक के मना करने पर कि ये नंबर सनी का नहीं है, फोन करने वाले लोग उन्हीं को बुरा भला सुनाते हुए अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस सब से परेशान होकर आखिरकार रविवार रात को पुनीत मौर्य एनक्लेव थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। जानकारी के मुताबिक मौर्य एनक्लेव पुलिस को दी गई शिकायत में शख्स ने बताया कि हिंदी फिल्म अर्जुन पटियाला में अभिनेत्री सनी लियोनी अपना फोन नंबर बताते हुए एक नंबर बताती है, जो कि उनका नंबर है। रोहित जुगराज के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म बीते शुक्रवार को जैसे ही सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, तभी से ही उनके पास 300 से ज्यादा फोन कॉल्स रोजाना आ रहे हैं। इस वजह से शिकायतकर्ता को ऑफिस में काम करते हुए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आलम यह है कि उनका फोन ऑफिस में भी बार बार बज रहा है। शिकायत के बाद डीसीपी विजयंता आर्या की माने तो मामले की जांच चल रही है, जिसके बाद जल्द ही उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आलम यह है कि शख्स के लाख समझाने पर लोग उल्टी सीधी बातें करने से भी बाज नहीं आ रहे हैं, इसलिए परेशान होकर युवक ने ये कदम उठाया है। यानी फैंस किसी और के और झेलना किसी और को पड़ रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही बॉलीवुड जगत की और लेटेस्ट न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।